सो गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू सुजुकी जिमनी। इंडियन मार्केट में कुछ ही टाइम हुआ इसे लॉन्च हुए को और मैं आया हूँ इसे लेके लेह लद्दाख की ट्रिप पे। और अभी हम लोग लेह से जा रहे हैं खारदुंगला, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास था एक टाइम पे, अब उमलिंगला हो गया है, बट वो सिर्फ 200-300 मीटर के आसपास का ही डिफरेंस है। हम लोग खारदुंगला अभी इसको लेके जा रहे हैं, यहाँ से शायद 34 किलोमीटर के आसपास और है, और अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है मैं अभी इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में खारदुंगला लाइक टॉप एंड पे, वहां पर अगर आइस वगैरह मिल जाती है, स्लश वर्ट जो भी मिलता है वो सब चीजें आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिमनी 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आती है, ऑल ग्रिप स्टैंडर्ड, यानी कि आप 4x4, 4 लो 4 हाई आप ये सब चीजें लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसके अंदर। और सो गाइस ट्रिप स्टार्ट कर ली है, आप लोगों को पता ही है। और अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हो उसके बीच में एक छोटा सा आपका टाइम लूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या प्रिपरेशन करी है गाड़ी में। लाइक स्टॉक जिमनी लेके आए, टायर वगैरह सब कुछ सेम है, कलर पे कुछ नहीं करवाया प्रोटेक्शन, बट इंजन को पूरा प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। ये एक डिवाइस लगाया है, कारकेट नाम का डिवाइस है। होता ये है कि यहाँ पर कितने सारे अलग अलग टाइप के जानवर होंगे जब भी आप ट्रिप पे जाओगे, सबसे ज़्यादा तो चूहे जो है वो वायर काट देते हैं और आपका इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा मांगता है। बट यहाँ पर कारकेट अगर आपने एक बार लगवा लिया ना तो कोई चूहा यहाँ पर नहीं आएगा, ये अल्ट्रासाउंड रेज जो है वो प्रोड्यूस करता है और वो बार बार रिफ्लेक्ट होगी, पूरे इंजन चैम्बर को प्रोटेक्ट करके रखेगी। चूहे तो हैं, बाकी जो दूसरे जानवर भी होते हैं जो आग के अंदर बैठ जाते हैं और इंजन को नुकसान पहुँचा देते हैं, वायर वगैरह काट लेते हैं, तो उन सबसे आपकी गाड़ी प्रोटेक्ट रहेगी। तो अगर आप कहीं बाहर जाओ और अगर वहाँ आपका वायर कट जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे इंजन बंद हो जाए तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर बाकी सारी एक्सेसरीज कॉस्मेटिक चीज़ें आप करवाओ या नहीं करवाओ, इस डिवाइस को लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर अब बाहर जाने की बात तो हो गई, अगर सपोज अभी घर में मैंने पार्क करी हुई है, ऐसे घास वास है तो यहाँ पर घास में भी कई सारे ऐसे छोटे मोटे जानवर होते हैं, मोस्टली तो चूहे ही होते हैं जो अंदर गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और नुकसान कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस डिवाइस को आप हमेशा 24x7 लगा के रख सकते हैं। ये अमेजोन पे आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, या तो आप डायरेक्ट सर्च कर लो कारकेट और आप अपने अकॉर्डिंगली परचेस कर सकते हो। मुझे ये डिवाइस काफ़ी अच्छा लगा, पिछले लास्ट 7-8 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी हैरियर में, होंडा सिटी में, XUV300 में, अब जिमनी में भी लगा लिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर अच्छा लगा है तो परचेस कर लेना। यहाँ पर जो टायर साइज है वो भी स्टॉक रख के हम लोग आए हैं, 195/80R15 टायर, 15 इंच के एलॉय व्हील इस गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं, 15 इंच के टायर ब्रिजस्टोन का टायर है और ये सैंड और मड लाइक टायर है, ये मड प्लस नो टायर है, तो मड प्लस नो टायर लगे हुए हैं। देख सकते हो कितनी आवाज़ कर रहा है ट्रक, मतलब यहाँ पर गाड़ियों को चढ़ने में जान निकल जाती है। चलते हैं, पूरा सामान पीछे भरा हुआ है, हम लोग गाड़ी के अंदर 3 लोग हैं, दीपक उधर पीछे, रोहित बैठा हुआ है, या वी गो। और अभी तक भी जितना हम लोग जाके आए, तांगलांगला पास है जो कि अराउंड 17,480 मीटर की हाइट पे अबाउ सी लेवल, वहाँ पर भी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मतलब लाइक जैसे ऑक्सीजन कम हो जाता है वहाँ पर तो गाड़ी स्ट्रेस ले रही हो या इंजन में स्ट्रेस आ रहा हो, तो वैसा बिल्कुल भी यहाँ पर अभी तक तो फील नहीं हुआ है। बट अभी जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ कैसी फील है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग गुड़गांव से निकले मनाली आए, मनाली से निकले ले आए, मनाली से ले का रास्ता बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं एक व्लॉग चैनल का मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप लोग देख लेना तो आपको पता चल जाएगा, वो बिल्कुल एकदम रॉ शूट करा हुआ है कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को कई सारे फुटेजेस मैं लगा दूंगा, शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। लाइक नेचर है, दिखने में भी बहुत अच्छा है, बट वो जो जितना अच्छा है उतना ख़राब भी है कहीं कहीं, क्योंकि लिए कोई रोड्स ही नहीं है, वो सीन है। अभी फ़िलहाल जैसे ये थर्ड गियर में है और अपन हाइट पे चल रहे हैं, उसमें भी मेरे को मतलब कई बार ऐसा लगता है कि गियर चेंज करने की इच्छा अपने को हो रही है, बट हल्के से भी अगर अपन पुश देते ना गाड़ी को तो गाड़ी चल जाती है। मतलब अगर वो 1200-1300 आरपीएम से ऊपर अगर है तो फिर वो धीरे धीरे पुश करके ऊपर लेके जाएगी, और जैसे ही 2500 आरपीएम के आसपास पहुंच जाती है उसके बाद में इंजन में लाइव लाइक आने लग जाती है, अलाइव हो जाता है इंजन, और देन उसके बाद आप उसको पुश कर सकते हो जितना आपकी इच्छा है। और अगेन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा ऐसा है मतलब हार्ड हो रहा है गाड़ी के लिए, तो आप 4 हाई एंगेज कर सकते हो और वहाँ पर फिर आप जो है वो कंटिन्यूसली गाड़ी को चला सकते हो और वहाँ पर लिटरली पावर अच्छी फील होती है। अब अगर नंबर्स में देखा जाए तो 104 BHP की पावर, 134 NM के आसपास का टॉर्क देती है, 5 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स है। यहाँ पर कहीं भी इस गेयरबॉक्स ने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी। लो रेंज लो मतलब एक जो है इस गाड़ी की वो उतनी अच्छी नहीं है, रेशोज जो है फर्स्ट और सेकेंड
गियर में, वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिलती है लाइक नॉर्मल 4x2 में जब आप होते हो, बट अगर आप 4 लो में हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी किसी भी टेरेन पे आप जा रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, इजीली आप सभी जगह से जो है वो निकल सकते हैं। और अभी यहाँ पर भी देखो मैंने बिल्कुल भी गियर चेंज नहीं करा है, थर्ड गियर में कंटिन्यूसली चल रही है, 1200-1300 RPM के आसपास है, 1500 RPM पे पहुँच गए। अब स्टार्ट करते हैं नॉर्मल जैसे अपन रिव्यू करते हैं। तो अगेन व्यूइंग एंगल से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, सभी जगह से व्यू अच्छा आता है। कहीं कहीं जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे शार्प टर्न हो, यू टर्न हो या ट्रैफिक में आप हो, तो ये जो ए पिलर है ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आपको इधर या इधर होके ऐसे देखना पड़ता है इसके अंदर। एंड ये जो मिरर्स हैं ये एकदम स्ट्रेट लगे हुए हैं, तो इनमें आपको रिफ्लेक्शन आता है मोस्टली शाम को या अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है या रात में होता है, जहाँ पे अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट्स वगैरह यहाँ पर दिखती है। तो ये चीज़ यार इस टाइप की गाड़ियों में रहेगी, चाहे आप कोई सी भी गाड़ी ले लो जहाँ पर स्ट्रेट ग्लासेस हैं उनके प्लेसमेंट है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको देता है। बाकी इकोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रीच में होती है, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इकोनॉमिकली सही तरीके से प्लेस नहीं की गई है या थोड़ा सा अजीब सा वियर्ड सा प्लेसमेंट है उसका। सीट हाइट की एडजस्टमेंट नहीं है, ये चीज़ अब लाइक मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई, मेरी हाइट 5'10" है, दीपक चला रहा है उसकी हाइट 6 के आसपास है, 6'1" के आसपास, तो हम लोग की कोई परेशानी सीट हाइट से रिलेटेड नहीं है। बट अगर कोई शॉर्ट ड्राइवर है अराउंड 5'4" 5'5" के आसपास, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार वो सीट को अपग्रेड करें या नीचे पिलो लगा के चला सकते हैं, तो वो एक कमी मेरे को महसूस हुई गाड़ी के अंदर। दूसरा, हाइट पे एल्टीट्यूड पे चल रहे हैं, एसी चालू है गाड़ी का पूरे टाइम, और एसी की परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, मतलब ऐसा फील नहीं होगा आपको कि एसी आपको बंद करें तो आपको गाड़ी में पावर मिलेगी, मतलब वो वाली वाइब यहाँ पर मुझे गाड़ी के अंदर कहीं पर भी हम लोगों को नहीं मिली कि एसी बंद कर देते हैं तो पावर ज़्यादा आ जाएगी। मतलब जैसा एसी चल रहा है उसमें भी पावर मिल रही है, वैसी पावर मिल रही है अगर बंद कर रहे हैं तो भी, हीटर भी चलाया कोई इशू नहीं आई, ख़राब रास्तों में लेके गए। अब जो मेन पॉइंट है वो है टायर, तो जो स्टॉक टायर है हम लोग पहले सोच रहे थे कि चेंज करवा के चलते हैं, देन हम लोगों ने डिसाइड करा कि नहीं स्टॉक टायर लेके जाते हैं, क्योंकि जैसी गाड़ी स्टॉक कंपनी ने दी है कोई मॉडिफिकेशन के बिना हम लोग लेके आए इसको, कि एक्चुअल में इसकी परफॉर्मेंस है कैसी, अगर आप 16 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको मिल क्या रहा है। यार अपग्रेड्स तो आप हर गाड़ी में करवा सकते हो, नॉर्मल गाड़ी में भी आप टायर बड़े करवा सकते हो, बट लिटरली हम लोग बहुत खुश हैं और कोई परेशानी टायर से रिलेटेड नहीं आई। मैंने चलाई, दीपक ने नहीं चलाई, दीपक तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, टायर के बारे में तेरा क्या कहना है, तेरा एक्सपीरियंस बता। यार देखो इनकी ना प्रोफाइल अच्छी है, तो उसकी वजह से क्या है अपन रॉक्स पे भी इसको आराम से चला सकते हैं, यहाँ पे पत्थर वत्थर होते हैं, ऑफ रोडिंग मतलब और बेटर तरीके से कर पाती है, जल्दी टायर कटने का डर नहीं होता, कंफर्ट पूरा का पूरा, कंफर्ट पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि झुला रही है या प्रॉब्लम दे रही है हमको, गड्ढे फील करवा रही है, जर्क हो रही है, कमर दुख रही है हमारे, झटके लग रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो ये चीज़ मेरे को इन टायर्स के साथ में बहुत अच्छी लगी। हाँ दिखने में थोड़े से पतले दिखते हैं, बट स्टिल जो काम कर रहे हैं ना उसका तरीका बहुत अच्छा है इनका काम करने का, मड प्लस नो टायर है, मस्ती से काम करते हुए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमको। और अभी आगे तो हम लोग और टेस्ट करने वाले हैं, वो सब चीज़ें हैं। माइलेज की अगर बात कर लेते हैं थोड़ी, कि माइलेज कैसा क्या रहा है, तो यार देखो हम लोग माइलेज निकालने के अकॉर्डिंगली चला नहीं रहे, स्टिल गाड़ी ने माइलेज काफ़ी बढ़िया दिया है, लाइक अराउंड 10-12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज निकल रहा है। एक बार हाँ कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी देख ली है, वो 6.4 का जो निकला था उसमें घाट एरिया बहुत ज़्यादा था और हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब रफ एंड टफ इसको चला रहे थे, कभी 4x4, 4 लो, मतलब ओवरऑल हम मस्ती कर रहे थे गाड़ी के साथ में, तो वो उसने भी हमारे साथ मस्ती करी, दैट्स व्हाई वाला माइलेज आया था। बाकी ऑलमोस्ट डबल डिजिट के आसपास ही माइलेज जो है वो ये गाड़ी रिटर्न कर रही है, और जिस टाइप के टेरेन पे जितने लोड के साथ रिटर्न कर रही है वी आर हैप्पी, मतलब कोई परेशानी हैज़न सच माइलेज से रिलेटेड नहीं है। एंड अगर स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल वेट जो है वो फील होता है, वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आती है, मतलब अगर आप ऐसे ऑन स्पॉट कंटिन्यूसली चल रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है, तो स्टेयरिंग डिसेंट है, स्लो स्पीड में चल रहे हो बढ़िया। हाईवे पे प्रॉब्लम ये आई थी कि फीडबैक एक तो प्रॉपर इतना शार्पली नहीं मिलता है, तो ये फीडबैक के हिसाब से कैलिब्रेट नहीं की गई है, और एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल वेट पता नहीं क्यों इसके अंदर रहता है हर जगह, जो चीज़ होनी नहीं चाहिए। मोस्टली जब आप गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा स्लो सिंगल डिजिट स्पीड में घुमा रहे हो, टर्न कर रहे हो, वहाँ पर ये गाड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड सी फील होती है स्टेयरिंग, तो वो चीज़ थोड़ी सी वियर्ड सी जो है वो गाड़ी के अंदर लगती है। बाकी कोई परेशानी गाड़ी में नहीं है, सस्पेंशन अच्छे तरीके से कैलिब्रेट करे हुए हैं, लाइक कंफर्ट और परफॉर्मेंस दोनों का मिक्सचर यहाँ पर मिल रहा है, ज़्यादा बॉडी रोल फील नहीं होता है। हाँ अगर आप ऐसे टर्न पे बहुत ही ज़्यादा घुमाओगे तो फिर पीछे वाला आपको कंप्लेन करेगा, चिल्ला भी देगा, रोहित ने डांटा भी था एक दो बार हमको, तो वही बात है। बट ऐसा सच नहीं है कि यार परेशानी हो जाए पीछे वाला कि नहीं भाई मैं तो आगे बैठूंगा, अब वो जिद्दी करने पर आ जाए, वैसा कभी नहीं हुआ। ब्रेक्स अगेन
शार्प बाइट्स तो नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा स्पंजी बाइट्स भी नहीं है। आप जब इस गाड़ी को चलाने लगते हो तो 40-50 किलोमीटर आप चलाओगे, यूज टू हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कब आपको ब्रेकिंग लेनी है। हायर एल्टीट्यूड पे जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था वहाँ पर इशू ही आ रहा था, इसकी ब्रेक लाइन जो है वो जम रही थी, जो भी कुछ तो इशू इसमें था वहाँ पर बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग। लाइक मैंने पूरा एक दो बार तो पंजा दबा दिया था, तब भी ब्रेक्स उतने अच्छे आ नहीं रहे थे, वो हायर एल्टीट्यूड से हो रहा था और लोअर टेम्परेचर से हो रहा था। इंजन ब्रेकिंग की मतलब मेरे को सपोर्ट लेना पड़ रहा था ऑलमोस्ट 60-70% और उस हिसाब से मैं गाड़ी को रोक पा रहा था, तो ये सीन हो रहा था। बाकी अभी जैसे यहाँ पर हायर एल्टीट्यूड पे अभी भी है बट टेम्परेचर नॉर्मल है, तो यहाँ पर ब्रेक्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो जहाँ पर लोअर टेम्परेचर है वहाँ पर ब्रेक्स में थोड़े से इशू आए हैं। बाकी आगे की कुछ वीडियोज़ जो आएगी उसमें कुछ अलग टाइप का सीन आएगा। अब ये देखो, अब ये ब्रेकिंग जिस हिसाब से मैंने ली बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये स्टॉल होने का तो एक तो पंगा है यार इसमें, मतलब कभी कभी ये हो जाती है और मोस्टली ऐसे सिंगल गियर में नहीं होती, मतलब ऐसे 4x2 में नहीं होती, 4 लो में या 4 हाई में मोस्टली स्टॉल होती है। तो सीन वही है कि ब्रेकिंग जो है वो आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ब्रेक्स लेने हैं और कब लेने हैं, वही एक चीज़ है। तो आगे की वीडियोस में और थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अभी हाइट पे जाके और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। गियर बॉक्स अगेन अच्छा है, कोई फॉल्स गियर फॉल्स शिफ्टिंग नहीं देता है, इजीली आपको सारे शिफ्ट्स ऑफर कर देता है, बट वही है कि आपको शिफ्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है जब आप थोड़े स्लो चलते हो, तो आपको डाउन शिफ्ट ज़्यादा मारना पड़ता है। आप शिफ्ट का तो कोई इशू नहीं है और मोस्टली आप फिफ्थ गियर और फोर्थ गियर को क्रूज करने में यूज़ करेंगे, थर्ड गियर ही ऐसा गियर है जिसमें आपको ऐसे नॉर्मल रोड्स पर चलानी पड़ेगी। अभी भी ये देख लो थर्ड गियर में चल रही है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अभी के लिए एक रॉ वीडियो था जहाँ पर इसकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि हम लोग हायर एल्टीट्यूड पर जा रहे थे तो कैसा कैसा फील हो रहा था गाड़ी के अंदर। अब चले जाएंगे प्रॉपर हायर एल्टीट्यूड पे, वहाँ पर कैसा बिहेव करती है वो आगे की वीडियोस आप लोग देखेंगे। नोटिफिकेशन ऑन कर लो, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है कनेक्ट हो जाओ, और कुछ वीडियोस आएगी दीपक के चैनल पे MRD व्लॉग्स पे तो वो भी आप कंटिन्यू देखो। MRD कार्स पे डाल रहे तू तो MRD कार्स पे आप लोग देख लेना, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट उसी पे चले जाओ। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, कुछ वीडियोस ये इसके चैनल पे डाल रहे हैं, तो आपको ओवरऑल पूरी गाड़ी समझने के लिए दोनों चैनल पे आप अगर देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जिमनी को समझ में आएगा। और साथ ही हम लोग व्लॉग और ये सब कर रहे हैं तो आप वो भी जो है जरूर से एंजॉय करो। तो नीचे कुछ लिंक्स मिलेगी जो सारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चेकआउट कर सकते हो। राइट सेफ गाइस, राइट सेफ।